नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल के रेनबो एकेडमी में बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के रोहाना रोड स्थित रेनबो एकेडमी में गुरुवार को बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य शालिनी अरोरा ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य शालिनी अरोरा ने कहा कि 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू को गुलाब और बच्चों से प्रेम था, इसलिए सारा देश उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानता है। 15 वर्ष की अवस्था तक गांव में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे विलायत पढ़ने गए। 23 वर्ष की अवस्था में जब भारत लौटे तो जलियांवाला बाग की घटना जो 1919 में घटी थी उनके दिल दिमाग को बदल दिया। वे गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने उनके जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने गुब्बारों से खेल कूद करते हुए बाल दिवस को धूमधाम के साथ मनाया। आज हमारे विद्यालय रेनबो एकेडमी में 14 नवम्बर चाचा नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में बहुत अच्छे से मनाया गया। सभी बच्चों ने खेल कूद किए और तरह तरह के प्रोग्राम प्रस्तुत किए। सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। चाचा नेहरू जी का कहना था, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए और उनको उनका अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। चाचा नेहरू जी ने 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने गुलाब बहुत पसंद था, वो हमेशा बच्चों से घिरे रहते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। दिल्ली में IIT IIM जैसे संस्थान उन्हीं की देन है। उनका कहना था कि बच्चों को खूब पढ़ना लिखना चाहिए और बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनको उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश का अच्छे से विकास होगा और देश बहुत तरक्की करेगा। धन्यवाद। जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के पानीपत मार्ग पर पिकअप गाड़ी पलटने से एक ही परिवार के 12 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के शामली में तेहरवी में जा रहे एक परिवार की पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में महिलाओं सहित 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 6 लोगों को गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया गया। घायल सभी लोग शामली पिकअप गाड़ी में सवार होकर पानीपत जा रहे थे। कैराना क्षेत्र के पानीपत मार्ग पर यह हादसा हुआ है। दरअसल मामला शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र के पानीपत रोड का है। बिजली घर के पास पिकअप गाड़ी पलटने से एक ही परिवार के करीब 12 लोग घायल हो गए। हादसे में सभी लोगों को उपचार के लिए कैराना पर भर्ती कराया गया, जहां से 6 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल भर्ती कर दिया गया सभी लोग शामली के मोहल्ला राम सागर के रहने वाले हैं। सभी पिकअप में सवार होकर शामली से पानीपत जा रहे थे। जैसे ही सभी पानीपत बाईपास पर पहुंचे तो पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी युवक अपने रिश्तेदारी में एक रस्म तेहरवी प्रोग्राम में जा रहे थे, जिसके बाद राहगीरों ने सभी घायलों को बाहर निकाला और राहगीरों ने पुलिस को सूचना देकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां पर सभी घायलों को उपचार दिया जा रहा है। ये हमारे पास आज जो है 11 बजे के करीब 10 लोग एक्सीडेंटल केस आए, जिसमें से 6 लोग जो है जिनको हमने रेफर किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर के लिए, जिनमें एक जो है काफ़ी सीरियस लग रहा है और बाकी सब ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट सब सारे को दे दिया गया है। पुलिस को भी इंफॉर्मेशन रिटर्न में दे दिया गया है और बाकी की कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार मेलाधिकारी दीपक रावत ने लक्सर पहुंचकर मेला विकास कार्यों का निरीक्षण किया। हरिद्वार से मेलाधिकारी दीपक रावत लक्सर में मेला कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। दीपक रावत ने लक्सर रेलवे स्टेशन, लक्सर बाजार, लक्सर रोडवेज बस स्टैंड में पश्चिम की ओर बहने वाली गंगा पंचेवली पर हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि कुंभ शुरू होने से पहले सभी रुके हुए कार्यों को पूरा किया जाएगा। लक्सर पहुंचे मेलाधिकारी से लक्सर के लोगों ने तरह तरह की शिकायतें की।
की। लोगों ने कहा कि लक्सर में रेलवे स्टेशन पर समुचित व्यवस्था नहीं है और लक्सर रोडवेज बस स्टैंड भी अस्थायी रूप से चल रहा है। लोगों ने कहा कि कई बार रोडवेज बस नहीं मिलती और घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। लक्सर शहर में रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए अलग से कोई रास्ता नहीं है। लक्सर शहर में अतिक्रमण होने के कारण अक्सर जाम लगा रहता है, जिससे रेलवे स्टेशन पहुंचने में काफी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। पूरे लक्सर शहर में केवल एक सुलभ शौचालय बनाया गया है। अग्निशमन कार्यालय भी अभी तक नहीं बन पाया है। लोगों ने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका सामना लक्सर निवासियों को ना करना पड़ रहा हो। मेलाधिकारी दीपक रावत ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही सभी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। दीपक रावत ने लक्सर शहर की हालत को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को अति शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। चल रहा है जो कि बस अड्डे की प्रपोज्ड साइट है वहाँ पे है, जिसमें मैंने माननीय विधायक जी से, माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया है कि आप लोग भी एक सूटेबल साइट हमें बता दें, और यहाँ पे SDM लक्सर भी हैं, वो भी स्थल चयन करके हमको बता दें, तो यहाँ पे टॉयलेट्स का हम प्रस्ताव बना देंगे और समय रहते इस काम को पूरा कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप रोडवेज बस स्टैंड सेंक्शन हो चुका है और मेलाधिकारी जी आपके सामने आज निरीक्षण कर रहे हैं, उसका MOU होने वाला है और शीघ्र ही 6 माह के अंदर बन जाएगा रोडवेज बस स्टैंड। मुजफ्फरनगर की तितावी शुगर मिल बंद होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिल अधिकारियों का घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत तोमर ने समस्त किसानों को लेकर तितावी शुगर मिल पर धरना दिया। दरअसल मामला यह है कि 8/11/2019 को मिल का शुभारंभ हो गया था। शुभारंभ होने के अगले दिन से ही मिल बंद चल रही थी। बंद होने के कारण किसान अपना गन्ना छीलकर परेशान हो गए थे, जो कि मिल मालिक ने ऐलान कर दिया था कि फैक्ट्री खराब होने के कारण 16 तारीख तक फैक्ट्री बंद रहेगी, कोई किसान भाई गन्ना न लेकर आए। आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तितावी मिल का घेराव कर अधिकारियों से पूछा कि मिल क्यों नहीं चला रही। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत मौके पर पहुंचे और मिल मालिकों से मिल चलाने के लिए बोला। मिल मालिकों ने 15 तारीख तक मिल चलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मिल से वापस हुए। साथ ही कहा कि यदि 15 तारीख तक मिल को नहीं चलाया गया तो 16 तारीख को DM आवास पर धरना दिया जाएगा। नरेश टिकैत ने सभी किसानों को आश्वासन दिया कि 16 तारीख तक मिल चला दी जाएगी, यदि नहीं चली तो 16 तारीख को जिलाधिकारी के यहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत तोमर, सत्येंद्र तोमर, सुदेश पवार सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज इसलिए पहुंचेगी न 7 तारीख में मुहूर्त कर गए और न तो मिल चलाया, और प्रशासन को दिखा दिया, शासन को अगवाई हमने मिल चला दिया, लेकिन किसानों का गन्ना इनने नहीं लिया और कहता है पाइपलाइन पिघल कैसे गई, नुगैरा में पिघल गई, एक इनके बहाने हैं मिल लेट करना, किसान को परेशान करना, और मिल चल ले उनके सबके दो दो तीन तीन बीघे खेत खाली हो गए, गेहूँ बोने का उनका जुगाड़ हो गया, लेकिन यहाँ तो भूखे मरने की कगार पर है किसान। अब आश्वासन ये है, चोरी साहब भी आ गए थे हमारे बाबा जी टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी वे भी आ गए थे, हमारे सभी कार्यकर्ता रहे, इन्होंने कहा कि हम आज शाम तक मिल दोनों चैन, छोटी भी और बड़ी भी, ये दोनों चैन चला देंगे हम, अगर नहीं चलाई तो किसान गन्ना लेकर आओगा सीधा 16 तारीख में DM के वहाँ तुलाई होगी, ये टिकैत साहब के आदेश अनुसार। चलते तो परसों 26 तारीख से किसान अपना जो कई दिन का छुला हुआ गन्ना है वो DM के वहाँ ले जाए, DM उसकी व्यवस्था दूसरे शुगर फैक्ट्री में करवा देगी। ये के बारे में क्या भाई, ये दे देंगे जी जो कुछ देंगे, तो परसों किसान गन्ना लेगा अपना, या तो मिल में आएगा या DM के और या DM के आ जाएगा 16 तारीख एक दिन का, और इनको 15 तारीख का टाइम दे दिया इनको। मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 38 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। तितावी थाना क्षेत्र के कस्बा बघरा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 38 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में 35,000 रुपए का चेक, 10,000 रुपए का सामान दिया गया। समारोह में 4 चांद लगाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप कुमार कश्यप, जिला पंचायत सदस्य के कर्म कमलों द्वारा सामूहिक विवाह में दुल्हन व दूल्हे को आशीर्वाद देकर 35,000 रुपए का चेक वितरित किया गया। साथ ही खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा चेक वितरण किया गया। इसके अलावा इस मौके पर ADO विनोद कुमार त्यागी, ADO ISB साहिब हैदर सहित आदि कई लोग उपस्थित रहे। ये
आज दिनांक 14/11/2019 को सामूहिक विवाह बकरा ब्लॉक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 38 जोड़े हैं और इन्हें 35,000 का चेक नकद और 10-11,000 की सामग्री और अन्य सामान दिए जा रहे हैं। और आने वाली भाजपा सरकार को मैं ये चरणों में कहता हूँ कि 2022 में जिस तरीके से हमारी सरकार गरीब परिवारों को जो अनुदान दे रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के तितावी थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। तितावी थाने में आज समस्त क्षेत्रवासियों को बुलाकर एक बैठक की गई, जिसमें उपस्थित SDM, CO फुगाना, SHO तितावी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वे समस्त क्षेत्रवासियों को अयोध्या मामले में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी का धन्यवाद किया। आज मीटिंग का उद्देश्य यही था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसमें हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की थी लोगों से, और हम लोगों ने आज इनको धन्यवाद मीटिंग के रूप में धन्यवाद दिया है। और हम लोग बहुत आभारी हैं कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने क्षेत्र में पूर्ण से शांति बनाए रखी, इसका उद्देश्य यही था। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के बरला बसेड़ा मार्ग पर स्कूली बस और गन्ना लोडर की टक्कर में स्कूली बस पलट गई, जिसमें स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। मुजफ्फरनगर जिले के छपार कोतवाली क्षेत्र के बरला बसेड़ा मार्ग पर पेट्रोल पंप से डीजल लेकर तेज गति से सड़क पर चढ़ रहे ट्रैक्टर गन्ना लोडर ने स्कूल बस को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बस अनियंत्रित होकर गहरे खेत में जा गिरी। बस चालक की सूझबूझ से बस पलटने से बच गई तथा एक बड़ा हादसा होने से टल गया। टक्कर मारकर गन्ना लोडर मौके से फरार हो गया। स्कूल प्रधानाचार्य ने अज्ञात गन्ना लोडर के खिलाफ छपार कोतवाली में तहरीर दी। दरअसल बृहस्पतिवार की सुबह हेरिटेज पब्लिक स्कूल की बस, जिसे चालक सलेख चंद चला रहा था, बस ताजपुर व रेता नगला से 35 बच्चे लेकर बसेड़ा हेरिटेज पब्लिक स्कूल जा रही थी। जैसे ही बस बसेड़ा पेट्रोल पंप के सामने पहुंची तो पेट्रोल पंप से ट्रैक्टर गन्ना लोडर, जो तेज गति से सड़क पर चढ़ रहा था, बच्चों से भरी बस में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस अनियंत्रित हो गई तथा सड़क किनारे खेत में जा गिरी। इस दौरान बच्चों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि बस में सभी सवार बच्चे सुरक्षित रहे, किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से चल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस से बच्चों को बाहर निकलवाया तथा उनके अभिभावकों को सूचना दी। सूचना पाकर अभिभावकों में अफरा तफरी मच गई। अभिभावक अपने बच्चों की तलाश में स्कूल पहुंचे, जहां पर सभी बच्चे सुरक्षित पाए गए। किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। हेरिटेज पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर बसेड़ा कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। डीजल ले गए और मैं हॉर्न भी दिया, ब्रेक भी लिए, उसने ट्रैक्टर नहीं रोका। तो बस क्या खाई में चली गई थी? हाँ जी, खाई में चली गई। बच्चों को चोट तो नहीं? बच्चे को किसी को कोई चोट नहीं जी। लोडर वाले का पता लगा कौन है? ना जी, उसका पता। हमारा ड्राइवर ताजपुर से और बरला से बच्चे लेके आ रहा था, और यहाँ से बसेड़े से बाहर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से एक लोडर वाले ने डीजल डलवाया और बड़ी तेजी से लापरवाही से चलाते हुए ट्रैक्टर बाहर निकाला और जो गाड़ी के लेफ्ट साइड में टकराया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, खाई में नीचे उतर गई। भगवान का शुक्र है कि किसी बच्चे को चोट नहीं आई, लेकिन इतनी लापरवाही से उसने किया कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हमारा ड्राइवर था सलेख, जो बेहद अच्छा ड्राइवर है और तरीके से गाड़ी को लेकर आ रहा था, अपनी साइड था, लेकिन एक ट्रैक्टर की लापरवाही से, ड्राइवर की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो जाता। सर, जो गन्ना लोडर था ये कहीं किसी शुगर मिल में अटैच है, इसकी कोई जानकारी हो? ये जानकारी नहीं है, लेकिन गन्ना लोडर है, डीजल भरवा के निकला था बाहर, और उसकी वीडियो फुटेज है वहाँ पे, और वो बड़ी तेजी से बाहर निकल के उसने गाड़ी को टक्कर मारी। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं सर आप? मैं अभी एक एप्लीकेशन तैयार की है, अभी बसेड़ा चौकी प्रभारी को मैं देने जा रहा हूँ, और उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा।
मुजफ्फरनगर के चपार थाने में सीओ सदर कुलदीप कुमार के अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला मुजफ्फरनगर के कोतवाली छपार में आयोजित शांति समीक्षा बैठक में पहुंचे सीओ सदर कुलदीप कुमार ने अयोध्या प्रकरण में फैसला आने के बाद शांति व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया तथा आम जन से व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इसी क्रम में उन्होंने छपार क्षेत्र के विभिन्न मामलों का भी समय से निस्तारण कराने के निर्देश दिए तथा उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले का शांतिपूर्वक पटाक्षेप हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें निर्णय का पालन करना चाहिए। निर्णय के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि यह मामला अति संवेदनशील था, परंतु फैसले के बाद आम जनमानस ने जो सहनशीलता का परिचय दिया है वो बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार का पुलिस और पब्लिक का साथ रहेगा तथा संवेदनशील मामलों में यही मिसाल रहेगी। इस मौके पर छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा, सेक्टर मजिस्ट्रेट सागरपति त्रिपाठी, SI KP सिंह सहित आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर के कस्बा रामराज स्थित हैदरपुर वेटलैंड का सहारनपुर कमिश्नर संजय कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। सहारनपुर कमिश्नर संजय कुमार, मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी, DM जानसठ अनुज मलिक ने हैदरपुर वेटलैंड गंगा बैराज झील को पर्यटक स्थल बनाने का शुभारंभ किया। हैदरपुर वेटलैंड गंगा की स्वच्छता है, जन जागरूकता अभियान के तहत हमने ये ठाना है गंगा को स्वच्छ बनाना है को लेकर जानसठ रेंज सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर अतिथिगण कमिश्नर संजय कुमार सहारनपुर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे मुजफ्फरनगर ने वन्य पक्षियों के संरक्षण सुरक्षा हेतु इस झील का सौंदर्य कराने को अच्छा बनाने ध्यान देकर जनता से अपील की कि इस सौंदर्यकरण को सक्षम बनाने में हमारी मदद करें। इस झील के सौंदर्यकरण के लिए कमिश्नर संजय कुमार ने प्रशासन की तरफ से 20 लाख का अनुदान देना बताया। उन्होंने बताया कि यहां पर इस तरह का पर्यटक स्थल बनाया जाएगा जहां पर दूर दूर से पर्यटक घूमने आएंगे। पर्यावरण पक्षी हमारे दोस्त हैं, इनकी रक्षा करें। ये हमारी किस्मत है कि इस तरह की झील हमारे क्षेत्र में देखने को मिली है। संजय कुमार ने इस झील में शिकार करने वालों को कड़ी नसीहत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस झील से मछली का शिकार किया तो झील में रहने वाले पक्षियों का भोजन समाप्त हो जाएगा, जिससे यहाँ से पक्षी जाने को मजबूर हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाल दिवस के अवसर पर आए स्कूल के बच्चों ने अपनी अपनी चित्रकारी का प्रदर्शन दिखाया, जिससे प्रसन्न होकर संजय कुमार ने बच्चों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। वे बच्चों को बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर सहारनपुर संजय कुमार, शरणपुर कंजर्वेटर मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे सहित आदि कई लोग उपस्थित रहे। क्या प्रोग्राम था प्रोग्राम? आज हैदरपुर वेटलैंड का औपचारिक उद्घाटन है तो वो हुआ है और ये बहुत लाजवाब है। एक हैबिटेट है बिजनौर बराज, आप देख रहे हैं उसमें सिंचाई विभाग का ये बंदा ऑलरेडी मौजूद था, उनका सहयोग रहा। वन विभाग ने सेक्रेटरी MDA की पूरी टीम के साथ काम किया और करीब हम लोग ने 20 लाख रुपए खर्च किया, जिसमें कि आप देख रहे हैं विभिन्न यहाँ की जो प्रवासी पक्षियाँ जो आती हैं जिनकी संख्या करीब करीब 20 से 25 हज़ार हो जाती है, उनके बारे में जानकारी, हाइट्स बने हैं, व्यू पॉइंट्स बने हैं, मचान कुछ बन रहे हैं, पूरे नेचर ट्रेल्स बनाए हैं। एक बहुत अच्छा एक इको टूरिज़्म का ये एक स्थल बन सकता है और यही कोशिश हम लोगों की है। भविष्य में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको बायोडाइवर्सिटी पार्क का स्वरूप दें, इसमें कुछ और एक्टिविटी कार्यक्रम, इसके लिए 4 करोड़ की परियोजना भारत हमें राज्य सरकार को भेज दी है और ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है सभी विभाग के अधिकारियों का, इसमें जिला प्रशासन, इसमें तहसील प्रशासन, इसमें वन विभाग, इसमें सिंचाई विभाग और इसमें पुलिस की भी इसमें सहभागिता है। तो मिलजुल करके जो एक उत्कृष्ट कार्य जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये नेचर लवर्स को, बर्ड वॉचर्स के लिए और स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के लिए जो इको ट्रिप्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी बुकलेट, एक बड़ा हम लोग कॉफ़ी टेबल बुक भी इस जगह का भविष्य में निकालेंगे। मुझे विश्वास है कि इस स्थल से जो एक संदेश जन जागरण का, जो पर्यावरण संरक्षण का, जो पशु पक्षियों के संरक्षण का जो जाएगा वह हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उसका अपना महत्वपूर्ण योगदान। जनपद बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 201 हिंदू मुस्लिम जोड़ों की विवाह संपन्न कराए गए। बागपत जिले में आज मुख्यमंत्री
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम समाज के 201 जोड़ों की शादियां कराई गई। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से सभी नव दंपतियों को दहेज के रूप में जरूरतमंद सामान दिया गया। दरअसल बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे स्थित बसंत गार्डन में आज जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के ही गरीब परिवारों के 201 जोड़ों की शादियां कराई गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाले इन जोड़ों की शादियां पूरे रीति रिवाजों के चलते कराई गई। इस दौरान जहां एक ही जगह हिंदू वर वधु ने फेरे लिए, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के युवक युवती का निकाह कराया गया। वहीं प्रशासन द्वारा शादी में नव दंपतियों को जरूरत का सामान दिया गया और इस विवाह के साक्षी खुद डीएम बागपत शकुंतला गौतम व सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सतपाल सिंह के अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अभी तक 136 जोड़ों की शादियां जो है वो कराई जा चुकी हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत यहाँ खुशनुमा माहौल है। जो भी आए हैं उनको, जो भी जोड़े आए हैं वो भी खुश हैं, उनके घर वाले बहुत प्रसन्न हैं और जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि उस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी आए हैं, जो जोड़े आए हैं, उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएँ दी जा रही हैं कि वो सभी वैवाहिक जोड़े जो हैं वो खुश, उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। और अभी सभी देख रहे हैं बहुत खुशनुमा माहौल है, बिल्कुल शादी बारात का बैंड भी बज रहा है, शादी बारात का जैसा पूरी तरह यहाँ माहौल है। यहाँ मुस्लिम जोड़े भी आए हैं जिनकी जो है वो निकाह की व्यवस्था बिल्कुल एक साइड में की गई है और बाकी जो है 51 वेदियाँ बनाई गई हैं जिनमें जो है अन्य जोड़ों की शादी कराई जा रही है। जनपद मेरठ के कस्बा रामराज स्थित बाल शिशु मंदिर स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। बाल शिशु मंदिर रामराज स्कूल में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल 14 नवंबर को बाल शिशु मंदिर विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक आजाद बंसल एवं दिशा बंसल द्वारा फीता काट कर किया गया। बता दें कि गुरुवार को बाल शिशु विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया गया। बाल मेले में सभी बच्चों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई। बाल मेले का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक आजाद बंसल एवं दिशा बंसल द्वारा किया गया। बता दें कि मेले में मुख्य आकर्षक लकी ड्रॉ का रहा। इस दौरान बाल मेले में विद्यालय के सभी अध्यापकों का भरपूर सहयोग रहा। बाल शिशु मंदिर रामराज मेरठ से मैं प्रधानाचार्य उमेश कुमार शर्मा आज पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आज विद्यालय में बहुत अच्छा कार्यक्रम, प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी याद में एक बाल मेले का आयोजन कराया गया है। बाल मेले में सभी बच्चों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, रसगुल्ला है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, पेस्ट्री पेटीज़ है, बेकरी है, लकी ड्रॉ का भी प्रस्ताव रखा गया है बच्चों के द्वारा। बच्चे बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहे हैं मेले का, सभी स्टाफ का भरपूर सहयोग रहा है। विद्यालय का उद्घाटन विद्यालय प्रबंधक प्रबंधिका श्रीमती दिशा बंसल एवं आज़ाद बंसल जी द्वारा फीता काटकर कराया गया, सभी अध्यापकों का सहयोग रहा। बच्चे भरपूर मात्रा में विद्यालय के अंदर आनंद ले रहे हैं, सभी वेशभूषा में बच्चे आए हैं, सभी का भरपूर सहयोग रहा। जनपद शामली के ऊन ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 81 जोड़ों के विवाह कराए गए। प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधे 81 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। जनपद शामली के ब्लॉक ऊन में उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज ब्लॉक परिसर में 81 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। वहीं हिंदू जोड़ों के फेरे कराए गए व मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शामली शंभुनाथ तिवारी, BDO ऊन ज्ञानेश्वर तिवारी, राजकुमार तायल व भाजपा नेत्री परविता रूबी चौधरी आदि ने सभी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद देते हुए उनके सफल वैवाहिक जीवन में दीर्घायु होने की कामना की। उत्तर प्रदेश सरकार आज प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और प्रत्येक जिले को 351 जोड़ों की शादी आज कराने की मता है कि जनपद शामली में हमने अपना लक्ष्य पूरा किया और 351 जो गवर्नमेंट का निर्धारित लक्ष्य था वो हमने पूरा किया।
आज जनपद में पांचों विकास खंडों और दो नगर पालिकाओं कैराना और झिंझाना नगर पंचायत में ये शादी का आयोजन हुआ। एक शादी में 51,000 रुपये कुल खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपये तो कन्या के खाते में जाते हैं सीधे और 10,000 का हम उपहार देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें किया जाता है। कुल मिलाकर एक विवाह पर 51,000 रुपये गवर्नमेंट खर्च कर रही है। इस आयोजन के पीछे सरकार का उद्देश्य ये है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो एक तो दहेज रहित शादी हो, दूसरे निर्धन परिवारों को अपने बेटियों की शादी के लिए कर्ज में न डूबना पड़े, और तीसरा सामाजिक समरसता का एक माहौल जो भारतवर्ष की हमारी पुरानी पहचान प्रेम सद्भाव सहयोग पर जो हमारी बुनियाद रखी गई है उस पर एक हम भव्य महल खड़ा कर सकें और गरीब लोगों के लिए बेहतर काम हो, बेटियों को सम्मान मिले, उनके पिता उनको अपना बोझ न समझें और सामाजिक समरसता कायम हो, यह लक्ष्य है। जनपद चामली के गांव होड़समा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मरीजों की जांच की गई। जनपद चामली के गांव होड़समा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिवसीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लाभार्थियों ने लाभ उठाया। दरअसल जनपद चामली के गाँव होड़समा में कैंसर जैसी पनपती भयंकर बीमारियों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता विनोद निर्माल ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर चौसाना क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की मांग की थी। विनोद निर्वाल ने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा चौसाना क्षेत्र में 5 शिविर लगाए जाने की अनुमति दी गई। बुधवार को जनपद के सीएमओ के नेतृत्व में होड़समा में प्रथम शिविर का आयोजन किया गया, जो कि सीएमओ डॉक्टर अशोक हाड़ा की देखरेख में संपन्न हुआ। शिविर में आए हजारों रोगियों के बीपी शुगर आदि परीक्षण कर उन्हें दवाइयां दी गई और उनके ब्लड के सैंपल भी लिए गए। शिविर में जिला चिकित्सालय से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जाहिद अली त्यागी, शामली के ही नेत्र सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार व वेसेटसी ऊन के डॉक्टर नवीन कुमार और डॉक्टर रेणु सैनी ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा फार्मासिस्ट के रूप में अनुज कुमार, रविन्द्र कुमार, बदन सिंह आदि सभी ने शिविर में सहयोग कर चिकित्सा शिविर को सफल बनाया। सभी जांचें हो रही हैं हमारे पास, मलेरिया की जांचें हो रही हैं, शुगर की जांच कर रहे हैं और भी कई सारी जांचें हैं जो सब हो रही हैं। सुबह से अभी तक कितने पेशेंट देखे? अभी बताता हूँ, करीब 350 हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, करीब 350 और भी अभी आ रहे हैं। तो पूरी टीम कहाँ की टीम आई है? टीम शामली से आई है और कुछ ऊन ब्लॉक के लोग हैं हम लोग शामली से। क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं को चिंतित होकर जो यहाँ पे कैंसर, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और यहाँ पे जो अस्पताल आसपास नहीं है, ऊन में, शामली में है, झिंझाने में है, तो क्षेत्र की समस्या को लेकर हमने सीएमओ साहब से बात करी और स्वास्थ्य के जो एडी है उनसे बात करी और यहाँ पे कैंप किए करवाई, जो यहाँ पे किसान यहाँ के मजदूर हैं उन्हें सुविधा मिल सके। तो ये खोड़समा लगेगा या कहीं और? नहीं, ये 5 कैंप लगेंगे क्षेत्र में, यमुना खद्दर क्षेत्र में, आसपास के मंगलोरा, उदपुर हो गया, नयनंगला हो गया, सकुत्ती हो गया, आज कोड़सम में शुरुआत है और स्वास्थ्य पे यहाँ की भारतीय किसान यूनियन और यहाँ के टिकेट साहब, यहाँ के जनरेशन स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही, क्योंकि यहाँ पे कैंसर से कई मौत होली, कैंसर यहाँ पे, हेपेटाइटिस सी की बीमारी यहाँ पे, और यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो मजदूर है, उससे स्वास्थ्य केंद्र बहुत दूर पड़े, जिससे आज कैंप की शुरुआत यहाँ पर हुई। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल स्थित एम पावर प्रगति प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बाल दिवस के मौके पर मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के कसियारा मार्ग पर स्थित एम पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर चाचा नेहरू को याद किया। बाल दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम हुए, इसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा गीत, नृत्य, कॉमेडी, दौड़ आदि प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें
बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सेंटर मैनेजर नीरज शर्मा ने बच्चों को नेहरू जी के आदेशों पर चलने की प्रेरणा देते हुए कहा कि बच्चों में बिताया गया पल खुद को सुखद अनुभूति प्रदान करता है तो समाज में एक नजीर छोड़ देता है। कुछ ऐसी ही सोच के साथ प्रबंधक नीरज शर्मा ने बाल दिवस पर बच्चों के संग कुछ पल गुजारे। कौशल केंद्र में किस चीज का आयोजन किया है? देखिए, आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारी समस्त विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी उपलक्ष्य में हमने आज जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनका जन्म दिवस भी है वो मनाया धूमधाम से और फूल माला अर्पण की। मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 25 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। दरअसल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत चरथावल में श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में 25 जोड़ों के विवाह उनके रीति रिवाजों के तहत संपन्न कराए गए, जिसमें 19 हिंदू और 6 मुस्लिम जोड़ों की शादी संपन्न हुई। वधु को योजना के तहत 35,000 रुपए का चेक व 15,000 से अधिक का सामान विदाई के समय दिया गया। कार्यवाहक वीडियो राजेंद्र कुमार व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर, बिरालसी प्रधान मोहन, ग्राम प्रधान कमरपाल, सचिव प्रवीण आदि समस्त सचिवों ने वर वधु को शादी प्रमाण पत्र, चेक, पायल आदि वितरित किए। कार्यवाहक बीडीओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि रीति रिवाजों के तहत विकास खंड से 25 जोड़ों का विवाह कराया गया है। इस मौके पर राजेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान मोहन सिंह, रवि पुंडीर, संदीप कुमार, नीरज शर्मा सहित आदि कई लोग उपस्थित रहे। आज विकास खंड चरथावल में 25 सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ विवाह संपन्न किया जा रहा है, जिनमें 19 जो है सामान्य जाति से और 6 जो है अल्पसंख्यक के मतलब युगल जो है शादी समारोह किया जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से क्या क्या दिया गया है? इसमें सरकार की तरफ से सभी को सम्मान दिया जा रहा है और 25,000 रुपये चेक दिया जा रहा है और इनके टूल इनको जो है सम्मान के रूप में इनको जो है ये बॉक्स दिया जा रहा है। इसमें इसके अंदर जो है प्रेशर कुकर है, थाली है, चम्मच है और तवा वगैरह ये इसके अंदर है। नहीं सर, इसमें हिंदू जोड़े कितने हैं, मुस्लिम जोड़े कितने हैं? हिंदू जोड़े इसमें 19 है और मुस्लिम जो है 9 है। 35,000 टोटल 51,000 रुपये का। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। अयोध्या प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय को आमजन द्वारा सहज भाव से स्वीकार करने एवं पुलिस का सहयोग किए जाने के परिप्रेक्ष्य में आज क्षेत्राधिकारी जानसठ धनंजय सिंह कुशवाहा, उपजिलाधिकारी जानसठ अनुज मलिक एवं थाना प्रभारी मीरापुर पंकज त्यागी द्वारा थाना मीरापुर पर गणमान्य व्यक्तियों की धन्यवाद सभा का आयोजन कर सभी का आभार व्यक्त किया गया। इंस्पेक्टर मीरापुर पंकज त्यागी ने सभी से अपील की कि क्षेत्र में शांति बनाए रखे, अफवाहों से बचे, अगर क्षेत्र में माहौल खराब करने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर मीरापुर पंकज त्यागी ने सभी से अपील की कि क्षेत्र में शांति बनाए रखे। जैसे आप सभी जानते हैं कि अयोध्या मामले के ऊपर हमारे देश में सैटरडे को जजमेंट आया, तो उस जजमेंट को कि सारे व्यक्ति, सारे संप्रदाय के लोग शांति से पीसफुली एक्सेप्ट करें, उसके लिए थाने स्तर पर, हर गांव स्तर पर एक पीस कमेटी, पीस समिति का आयोजन गठित की गई थी। तो उस सभी में सम्भ्रांत व्यक्ति जितने भी आज यहाँ पर सभा में उपस्थित थे, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिनकी जहाँ ड्यूटी लगाई गई वहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से ड्यूटी की और इन्हीं लोगों के सहयोग की वजह से पुलिस और प्रशासन ये सुनिश्चित कर पाया कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो इसीलिए उनको धन्यवाद व्यक्त करने के लिए, उनके एफर्ट को इनकरेज करने के लिए आज ये मीटिंग रखी गई थी। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के रोहाना मार्ग पर स्थित किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले व खाने पीने की चीजों की स्टॉल लगाई गई। इसके अतिरिक्त विद्यालय में एक विज्ञापन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, साथ ही एक कला प्रदर्शनी के द्वारा बच्चों द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया। सभी छात्रों ने अनुशासन में रहकर इस संपूर्ण बाल मेले का आयोजन का
भरपूर लाभ उठाया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य शोएब अहमद के निरीक्षण में कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के चेयरमैन सुनील कुमार धीमान, विद्यालय की संस्थापिका सुनीता धीमान व स्कूल के प्रबंधक सत्य प्रकाश धीमान द्वारा संपूर्ण कार्य की प्रशंसा की गयी। साथ ही सभी बच्चों को जीवन पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देते हुए आशीर्वाद दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य शोएब अहमद ने बच्चों को सदैव कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन अर्शद अली, विभाकर त्यागी व सौरभ ने किया। इस मौके पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमने किड 7 पब्लिक स्कूल चरथावल में एक बाल मेले का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के लिए अनेकों प्रकार के झूलों की व्यवस्था की गई, जिसका बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। इसके अलावा हमने साइंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट बनाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ हमने कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अनेकों प्रकार की कलाकृतियां बनाकर अपने कौशल को दिखाया। मेरा सभी बच्चों के लिए संदेश है कि आज जो सामने है उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करें। भविष्य की चिंता में जो हमारे पास है हम उससे भी महरूम रह जाते हैं, इसलिए जो आज हमारे पास उपलब्ध है हम उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करें। भविष्य की चिंता में अपना समय व्यर्थ ना करें। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। साथ ही नगर आयुक्त ने विवाह जोड़ों को पर्यावरण को लेकर वर वधु को उपहार के रूप में पौधे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सहारनपुर में आज जनमंच सभागार में 30 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें कई सामाजिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि 25 मुस्लिम व 5 हिंदू जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मौजूद नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र ने बताया कि आज सहारनपुर के जनमंच सभागार में 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है, जिनमें 25 जोड़े मुस्लिम व 5 जोड़े हिंदू समाज के हैं। इन सभी का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराया गया है, जिसमें कुछ अन्य संस्थाओं ने व शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ से अलग कुछ संस्थाओं ने भी अपनी ओर से सामूहिक विवाह में शामिल होकर नए जोड़ों को उपहार दिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम सहारनपुर ने 30 जोड़ों का विवाह कराया है, और बड़ी धूमधाम से हम लोग बिल्कुल जैसे घर की शादी होती है उस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हम लोगों ने पर्यावरण का, स्वच्छता का और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिससे आप व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है, उन सभी योजनाओं को अवगत कराया गया है और इन लोगों से कहा गया कि उन सरकार की योजनाओं का लाभ लें और अपना जीवन स्तर ऊपर उठाएं। उसी 30 जोड़ों का आज हम लोगों ने यहाँ विवाह संपन्न कराया, जिसमें 5 जोड़े हमारे हिंदू भाइयों के हैं और 25 जोड़े मुस्लिम भाइयों के हैं। और बड़ी धूमधाम से जो भी सरकार की इस योजना का जो भी था व्यवस्था, उस व्यवस्था के अतिरिक्त भी हम लोगों ने तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और उनको उपहार दिया है, और बड़ा सुंदर आयोजन किया गया है नगर निगम सहारनपुर के द्वारा। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। वैवाहिक सूत्र में गंगो में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 25 जोड़ों ने विवाहित सूत्र में बंधकर एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में उपस्थित कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, गंगो विधायक कीरत सिंह सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर सभी अधिकारी गणों ने नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बता दें कि गुरुवार को गंगो ब्लॉक परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में परिणय सूत्र में बंधे हिंदू व मुस्लिम समाज के जोड़ों को पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ एक दूसरे के संग मरने जीने के वचन दिलाए गए। जो पिछले 1.5 साल से चली हुई है, इसका बहुत सारे वैवाहिक जोड़ों को लाभ भी मिल चुका है और पहले भी
इन कार्यक्रमों का आयोजन हो चुका है और आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर आज के दिन सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम रखा गया है, सभी ब्लॉक स्तर पर रखा गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे गंगा ब्लॉक पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और जिसमें बहुत सारे जोड़े का को इस योजना का लाभ मिला है। बहुत सारे जोड़े की शादी आज हुई है और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जिन परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है, जिन वैवाहिक जोड़ों को आज अपने इस जीवन को जीने का एक बेहतर अवसर उनके सामने आया है, उनके उज्जवल भविष्य की, उनके सफल जीवन की कामना करते हुए उनको ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। इन्हें सरकार द्वारा क्या मिला है? सरकार के द्वारा एक परिवार को जो शादी जिसके द्वारा आयोजन की जाती है 51,000 रुपये का उसमें सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है, जिसमें 35,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और 10,000 रुपये का सामान और 6,000 रुपये व्यवस्था जो अपनी होती है उस व्यवस्था में के लिए ही ये सारी प्रक्रिया के अनुरूप आगे इस योजना को लागू करने का काम किया जा रहा है। जानसठ कस्बे में गुरुवार को कस्बे की गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा द्वारा गुरु नानक देव महाराज का 550वां प्रकाशोत्सव जेवी इंटर कॉलेज के मैदान में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान महाराज जी की पालकी व कीर्तन दरबार सजाया गया। कार्यक्रम में 3 रागी जत्थों ने भाग लिया, जिसमें शिमला से आए गुरुप्रीत सिंह ने युवाओं से गुरुवाणी से जुड़ने व नशे से दूर रहने को कहा। कीर्तन द्वारा गुरु की महिमा बताते हुए अमृतसर से आए जगदीश सिंह राजे वाल द्वारा कीर्तन से संगत को निहाल किया। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के कथावाचक ज्ञानी हरजीत सिंह गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि जो गुरु के बताए गए रास्ते पर चलेगा उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। गुरु जी द्वारा बेसहारे व गरीबों की सेवा करना व भेदभाव तथा अज्ञानता को दूर कर देश के विकास में सहयोग करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति पर कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवेंद्र बढ़ाना, पूर्व चेयरमैन यनेश तमर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद एक विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवेंद्र भड़ाना, पूर्व चेयरमैन यनेश तमर, सरदार अजीत सिंह छाबड़ा सहित आदि कई लोग उपस्थित रहे। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।